विजय नेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है m टू द पावर ऑफ n माइनस m टू द पावर ऑफ m इक्वल 17 गिवन है। यहाँ पर हमें फाइंड करना है m एंड n का वैल्यू। ध्यान रहे यहाँ पर m एंड n बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। यहाँ पर m टू द पावर ऑफ n है, इस m टू द पावर ऑफ n को मैं m टू द पावर ऑफ n होल टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 किया तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों सेम ही होते हैं। 2 डिवाइड बाई 2 मीन्स इसका m टू द पावर ऑफ n होल टू द पावर ऑफ 1 ही बनते हैं, ये दोनों कट हो गए 1 ही बनते हैं, तो ये सेम ही रहेगा, राइट। लेकिन इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस m टू द पावर ऑफ n को m टू द पावर ऑफ 2 टाइम्स n बाई 2 भी कर सकते हैं, राइट। तो और m टू द पावर ऑफ n बाई 2 टाइम्स 2 भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर m टू द पावर ऑफ n बाई 2 होल टू द पावर ऑफ 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ए टू द पावर ऑफ m इंटू n अगर आइडेंटिटी रहा तो ए टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n भी कर सकते हैं, ए टू द पावर ऑफ n होल टू द पावर ऑफ m भी कर सकते हैं, और यहाँ पर ए टू द पावर ऑफ m इंटू n इंटू m भी कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी यहाँ पर अगर यूज़ किया तो m टू द पावर ऑफ n को हम m टू द पावर ऑफ n बाई 2 होल टू द पावर ऑफ 2 हम कर सकते हैं। ठीक इसी तरह n टू द पावर ऑफ m, इस n टू द पावर ऑफ m को भी हम n टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं, तो दोनों कट हो गया सेम रहेगा। और फाइनली इसे भी हम n टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर ऑफ 2 भी कर सकते हैं, राइट। तो मैं m टू द पावर ऑफ n की जगह में m टू द पावर ऑफ n बाई 2 टू द पावर ऑफ 2 लिख सकता हूँ, अब n टू द पावर ऑफ m की जगह में मैं n टू द पावर ऑफ m बाई 2 होल टू द पावर ऑफ 2 भी हम लिख सकते हैं। तो इसके जगह में ये पुट कर दो, m टू द पावर ऑफ n बाई 2 इसके जगह में m टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस n टू द पावर ऑफ m की जगह में n टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर भी स्क्वायर इक्वल 17। तो यहाँ पर m टू द पावर ऑफ n बाई 2 यहाँ पर n टू द पावर ऑफ m बाई 2 है, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे क्योंकि हमारा जो सिंप्लीफिकेशन है आसान हो जाते हैं। यस x equals m to the power of n divided by 2 करेंगे एंड y equals n to the power of m divided by 2 करेंगे, ठीक है। तो इसके जगह में x पुट करेंगे, तो ये x पुट किया तो ये स्क्वेयर है, स्क्वेयर हो जाएगा या जो रखा, तो n to the power of m by 2 की जगह में n to the power of m by 2 की जगह में y है तो y पुट किया मैं, तो यहाँ पर इसका स्क्वेयर हो गया इक्वल्स ये बनेगा 17 आगे का एच। तो हमें मालूम है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी हमें मालूम है ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, राइट। ये आइडेंटिटी अगर यहाँ पर यूज किया तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पर इससे क्या पता चल रहा है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये दोनों का समीशन है, ये इसमें डिफरेंस है माइनस है, इसलिए यहाँ पर x प्लस वाई इज ग्रेटर देन x माइनस वाई इससे पता चल रहा है हमें, राइट। तो इसका वैल्यू दोनों का समीशन किया तो इस दोनों में डिफरेंस माइनस किया तो इसका वैल्यू x प्लस वाई का वैल्यू बढ़ा रहेगा। तो हम यहाँ पर 17 का अगर फैक्टर किया तो क्या क्या आते हैं 17 का फैक्टर, अगर 17 का फैक्टर किया हम तो 1 तो 1 इंटू 17 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा 17 टाइम्स 1, ये दो ही फैक्टर्स आते हैं, इसको दो को छोड़ के पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन सा भी वैल्यू नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर x प्लस वाई इज ग्रेटर देन x माइनस वाई है, तो यहाँ पर x प्लस वाई अगर ये फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट है फर्स्ट केस और ये सेकेंड केस है, बट यहाँ पर देखो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन x माइनस वाई, अगर x प्लस वाई हम 1 लिया तो x माइनस वाई इज अगर 17 लिया तो यहाँ पर क्या बन रहे 1 इज नॉट ग्रेटर देन 17 है, इसलिए इसे हम रिजेक्ट करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि x प्लस वाई 1 नहीं रह सकते, क्योंकि कंडीशन x प्लस वाई 17, तो ये अगर 1 रहा तो ये x माइनस वाई 17 कैसे रहेगा, तो इसलिए इस 1 इंटू 17 जो है वो फर्स्ट केस वो उसे कैंसिल करेंगे, लेकिन सेकंड केस में x प्लस वाई 17 रह सकते हैं और x माइनस वाई 1 भी रह सकते हैं, इसलिए इसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। लिख लेंगे x प्लस वाई
इज इक्वल टू 17 हो गया। दूसरा क्या हो गया, x माइनस वाई इक्वल्स वन, एक्स प्लस वाई इक्वल 17, एक्स माइनस वाई इक्वल्स वन, तो ऐड कर दो दोनों। तो अगर दोनों ऐड किया तो टू एक्स प्लस एक्स मीन्स टू एक्स बनते, प्लस वन माइनस वन निकल गया तो इक्वल्स 17 प्लस वन मीन्स 18 बनते। तो हमें तो x का वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ टू से डिवाइड कर दो, तो x का वैल्यू हमें मिल रहे हैं 9, ठीक है। और इस x का वैल्यू इस इक्वेशन में x प्लस वाई में पुट कर दो, 17 है तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 17, तो y इक्वल्स 17 माइनस 9, तो y का वैल्यू यहाँ पर 8 बन रहे हैं, ठीक है। तो हमें मिल रहे हैं x एंड y का वैल्यू, यहाँ पर मैं नोट डाउन करता हूँ, x इक्वल्स 9 एंड y इक्वल्स 8, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेट किया है x इज m टू द पावर ऑफ n बाई टू एंड y इज m टू द पावर ऑफ m बाई टू, तो हम यहाँ पर रिकॉल करेंगे m एंड x एंड y, रिकॉल x एंड y। तो x क्या है, x इज इक्वल टू हमने लेट किया है m टू द पावर n डिवाइडेड बाई टू, एंड y क्या है, y इक्वल्स n टू द पावर m, n टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई टू। x का वैल्यू हमें मिला है 9 और y का वैल्यू 8 मिला है, तो x के जगह में मैं 9 पुट करूंगा, तो ये m टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाई टू कैंसिल करूंगा, एंड यहाँ पर y के जगह में मैं 8 पुट करूंगा इक्वल्स n टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई टू यहाँ पर भी रखूंगा, ठीक है। तो हमें चाहिए m एंड n का वैल्यू, m एंड n का वैल्यू चाहिए, तो ये पर m टू द पावर ऑफ n बाई टू है, तो इस n बाई टू अगर निकालना है तो ये टू अगर निकालना है तो दोनों तरफ हमें स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, यहाँ पर राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी। लेफ्ट साइड में अगर स्क्वेयरिंग किया 9 स्क्वेयर मीन्स 81 बनते इक्वल्स, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा n बाई टू टाइम्स टू, तो ये टू टू कट हो गया, तो हमें m टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू 81 मिलता है। इस 81 को हम 3 टू द पावर ऑफ 4 भी हम लिख सकते हैं, यानी m टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 4, ये हमें मिल गया यहाँ से। इसमें भी अगर ये अगर फ्रैक्शन 2 अगर निकलना है तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, तो स्क्वेयर 8 स्क्वेयर मीन 64 होते हैं इक्वल्स, यहाँ पर n टू द पावर ऑफ m बाई टू टाइम्स टू होते हैं, ए टू निकल गया, क्योंकि ए टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n इक्वल्स ए टू द पावर ऑफ m इंटू n बनता है। ये पावर रूल यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही यूज़ किया, तो ये बनते हैं 64 इज इक्वल टू n टू द पावर ऑफ m, और n टू द पावर ऑफ m को हम 64 4 टू द पावर ऑफ 3 भी हम लिख सकते हैं। m टू द पावर ऑफ n का वैल्यू 3 टू द पावर ऑफ 4 आ रहा है, n टू द पावर ऑफ m का वैल्यू 4 टू द पावर ऑफ 3 आ रहा है, राइट। तो हम वहाँ पर लिख लेंगे m टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 4, और n टू द पावर ऑफ m इज इक्वल टू 4 टू द पावर ऑफ 3। m इज इक्वल टू बेस को बेस कर दो, यहाँ पर पावर को पावर इक्वल कर दो, और यहाँ पर n इक्वल, यहाँ पर पावर को पावर इक्वल किया तो बेस को बेस इक्वल है, तो n का वैल्यू यहाँ पर 4 है, n का वैल्यू यहाँ पर बेस में 4 है, m का वैल्यू यहाँ पर पावर में 4 है, m का वैल्यू सेकंड में बेस में 4 है, m का वैल्यू फर्स्ट में क्या है 3 है पावर बेस में, और m का वैल्यू सेकंड में यहाँ पर पावर में 3 है, इसका मतलब m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो हमें मिल गया m इक्वल्स 3 एंड n इक्वल्स 4। तो हम गिवन इक्वेशन में पुट करके हम चेक करेंगे, तो इस दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को शूट होता है या नहीं। तो क्या क्या है, m इक्वल्स 3 एंड n इक्वल्स 4, तो m टू द पावर ऑफ n माइनस n टू द पावर ऑफ m इज इक्वल टू 17 गिवन है, ठीक है। तो m का वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 n का वैल्यू 4 पुट कर दो, 3 टू द पावर ऑफ 4 हो गया, n इज यहाँ पर 4 है, m इज 3 है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 17, तो 3 टू द पावर ऑफ 4 मीन्स 81 बनते हैं, माइनस 4 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स 64 बनते हैं, इस दोनों का डिफरेंस क्या 17 है,
Yes, 81 minus 64 means 17, but 17 is equal to 17. Yes, true. Any L H S is equal to R H S. Left hand side equals right hand side. इसका मतलब हमें जो वैल्यू मिला है m इक्वल्स 3 एंड n इक्वल्स 4 दोनों इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।